हेलो दोस्तों दोस्तों साइड में आप एक फिगर देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि थ्रेड का, किसी भी थ्रेड का लीड एंगल कैसे निकाला जाता है। जब भी हम लोग एक थ्रेड काटते हैं तो आप लोग को शायद ये पता ना हो, लेकिन उसमें एक लीड एंगल क्रिएट होता है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है। और ये लीड एंगल कहाँ पर यूज किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। एक्चुअली लीड एंगल जो यूज किया जाता है वो वार्म गियर काटते वक्त यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से लीड एंगल निकाला जाता है वार्म गियर काटने के लिए, या फिर बहुत से इसके मल्टीपर्पज भी हैं, लेकिन हम लोग को थ्रेड का लीड एंगल जानना जरूरी है। दोस्तों साइड में आप एक फिगर देख रहे हैं, उसमें जो ग्रीन कलर से जितने भी सारे फिगर बने हुए हैं वो सारे थ्रेड का पूरा एक पार्ट है। और उसमें जो ब्लू कलर में आपको दिया गया है वो आपको दर्शाया गया है कि कौन सा पार्ट क्या चीज है और क्या इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे पास में बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि सर ग्रुप में केवल आप ही मैसेज कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग किस तरह से मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं इसलिए सभी लोगों को मैसेज करने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। कारण केवल एक ही है कि अगर मैं उसमें सभी लोगों को मैसेज करने के लिए अलाउ करूंगा तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से माहौल खराब हो सकता है। तो आप लोग मेरे इस मजबूरी को समझते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का फिर भी कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ लिया कीजिए, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ रहता है उसमें आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू से पूछ लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि थ्रेड का लीड एंगल क्या है और इसे कैसे बाहर किया जाता है। हाउ टू फाइंड लीड एंगल फॉर वार्म गियर कटिंग। नॉर्मली तौर पे हम लोग इसे वार्म गियर कटिंग करने के लिए लीड एंगल को जानना जरूरी होता है। तो ये देखिए मैंने एक फिगर तो बना दिया है, आई थिंक बहुत अच्छा फिगर नहीं बनाया, फिर भी मैंने कोशिश की है फिगर बनाने का, जिसमें से ये हमारा डी है, ये डी वन है और ये डी टू है, ये हम लोग का एक सेंटर लाइन है। ये क्या चीज और क्यों है ये मैं बताना चाहूंगा पहले आपको। देखिए ये जो डी है ना, यानी कि हम लोग का जो मेजर डायमीटर है, और डी वन हम लोग का माइनर डायमीटर, डी टू हम लोग का पिच डायमीटर है। ये हम लोग को जरूरत पड़ेगा आगे, इसलिए मैं इसे समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब क्या है, हम लोग का ठीक सेंटर लाइन से हम लोग का जो थ्रेड का जो एंगल मुड़ता है ना, जब कभी भी हम लोग थ्रेड काटते हैं तो उसमें एंगल आता है फ्लैंक का, तो उसी एंगल से लेकर के सेंटर लाइन का अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री एक लाइन ले तो हम लोग का एक लीड एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहां पर हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। देखिए लीड एंगल फॉर्मूला यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला होता है लीड डिवाइडेड बाई पाई इंटू पिच डायमीटर। अब यहां पर लीड कहने से क्या समझेंगे हम लोग, लीड और पिच में क्या फर्क है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, बट अभी फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। पीच अगर आपका सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, सपोज ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, तो इसमें जो पीच होगा वही थ्रेड का लीड होगा। बट अगर ये डबल स्टार्ट है तो पीच का डबल हो जाएगा लीड, अगर ट्रिपल स्टार्ट है तो पीच का 3 गुना हो जाएगा लीड। तो लीड का मतलब समझ गए। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो भी मैं एक और फॉर्मूला आप लोग के सामने में दूंगा, ये है सेकेंड फॉर्मूला जो कि सेम है, जो इससे होगा वही इससे होगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, 10 अल्फा नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच। यहां पर देखिए बात वही आ जा रहा है, सपोज हम लोग का थ्रेड का पिच है 3 mm, सपोज हम लोग का थ्रेड का जो पिच है वो है 3 mm। ठीक है, अब क्या है, पिच तो 3 mm है, बट अगर ट्रिपल स्टार्ट है तो उसमें 3 गुना कर देंगे, है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा इंटू 9, तो यहाँ पर लीड भी 9 ऑटोमेटिकली आएगा और यहाँ पर भी आपका 9 ही आएगा, इसीलिए दो फॉर्मूला एक ही है। ठीक है ना, तो समझ गया ना लीड और पिच में क्या फर्क है। तो जो हम लोग का फॉर्मूला है क्या है, नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच डिवाइडेड बाय पिच डायमीटर इंटू पाई। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
बट यहां पर क्या है, हम लोग को पीच डायमीटर जरूरी है। जब तक हमारे पास में पीच डायमीटर नहीं होगा, हम लोग इस फॉर्मूला में लागू नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो जैसा कि मैंने यहां पर बताया था आप लोग को कि यहां पर देखिए डी टू यानी कि पीच डायमीटर है, तो पीच डायमीटर कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए पीच डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, पीच डायमीटर का फॉर्मूला है डी माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, डी माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड यानी कि थ्रेड का जितना डेप्थ आता है वन साइड से। अब यहां पर कैसे हम लोग जानेंगे, तो यहां पर मैंने कुछ लेट यानी कि सपोज मान लिया है, तो यहां पर डी यानी कि मेजर डायमीटर ऑफ द थ्रेड कितना, मैं 60 का डायमीटर मान लिया हूं एग्जाम्पल के तौर पे। यहां पर पीच में ले लिया हूं 8 mm और डी वन यानी कि माइनर डायमीटर हम लोग का 52 आ जाएगा। कैसे आएगा, हम लोग का 60 है मेजर डायमीटर, इसमें से हम लोग 8 माइनस करेंगे यानी कि वन साइड से 4 mm जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग के यहां पर 52 आ जाएगा। अब क्या है, वन साइड से 4 mm जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि जनरली तौर पे जब हम लोग थ्रेड काटते हैं तो जितना हम लोग का पीच होता है उसका आधा हम लोग डेप्थ ऑफ थ्रेड लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है डी माइनस डेप्थ ऑफ थ्रेड, तो 60 हम लोग का मेजर डायमीटर हो गया माइनस वन साइड से कितना जाएगा, तो 8 mm का पीच है यानी कि वन साइड से 4 mm जाएगा। अब 60 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 56 mm। ठीक है ना, यहां तक समझ गया ना। तो हम लोग का जो पीच डायमीटर यानी कि डी टू वो कितना निकला, 56 mm। ठीक है, यहां तक समझ गए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझने का कोशिश कीजिए, टेन अल्फा इज इक्वल टू लीड डिवाइडेड बाय पाई इनटू पीच डायमीटर। ठीक है, हम लोग का वही फॉर्मूला मैंने लागू किया, वो दोनों फॉर्मूला में से कोई भी आप लागू कर लीजिए। तो ये हम लोग का सिंगल स्टार्ट होने के कारण जो हम लोग का लीड है वही पीच होगा, होगा या नहीं। अब क्या है, हम लोग का लीड या पीच कितना आ रहा है, तो 8 mm आ रहा है। उसके बाद हम लोग का पाई का मान कि क्या होता है, स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड हम लोग का होता है 3.14। स्टैंडर्ड जो हम लोग का है ये है 3.14। अब क्या है, यहां पर 56 आ गया हम लोग का पीच डायमीटर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा 175.84। और जब 8 में से इतना को डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.04549। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतने डिजिट क्यों लिए जीरो के बाद, हम लोग अगर 3 डिजिट भी लेते तो हो जाता, बट क्या है अगर हम लोग ज्यादा डिजिट लेंगे तो हम लोग का डिग्री और ज्यादा एक्यूरेट निकल सकता है। ठीक है, यहां तक समझ गए ना आप लोग। अब क्या है, हम लोग जैसा कि मैं यहां पर बता रहा हूं, अल्फा 10 अल्फा था, अब यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो 10^-1 जैसा कि हम लोग जानते हैं, और उसको ऐसा ना लिख करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0. इसी को पुट कर देंगे इस जगह 0.0454959, तो हम लोग का जो डिग्री निकलेगा 2.60 डिग्री, ये हम लोग का डिग्री निकला और इतना हम लोग का आंसर होगा। इसके बाद भी कुछ डिजिट हैं उसे हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, तो पॉइंट में आने से हम लोग का 2.60 या फिर 2.7 डिग्री को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये डिग्री निकाल करके हम लोग वार्म का गियर काट सकते हैं, उसका हेलिक्स जो लीड एंगल होता है उस तरह से हम लोग गियर काट सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो जो आप लोगों ने देखा, ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। न्यू विजिटर्स जो विजिट किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं उनके लिए और आप सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आप लोगों का प्यार मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।